नमस्कार सलाम सत श्री अकाल मेरी प्यारी YouTube फैमिली, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है संडे और लगभग सुबह का टाइम हो रहा है 5:30। इसी टाइम यहाँ पे पानी आता है तो सोचा चलो ये धुलाई वाला काम है ये अभी ही कर ले। तो ये धुलाई वाला काम इनका डिपार्टमेंट है, ये खड़े होकर के कर रहे हैं क्योंकि मैं चढ़ के नहीं कर पाती इसलिए। तो चलिए यहाँ डिब्बे वगैरह है ये सब भी मैंने धो लिए थे। चलिए अब इसको अच्छे से मैं अरेंज करवा लेती हूँ पोछ के। तो ये बड़े बड़े डिब्बे हैं जो कि ऊपर मैं करवा रही हूँ, रेक पर रखवा रही हूँ तो मेरा हाथ नहीं जाता, तो ये मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा रहे हैं कि ये हेल्प करवा देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए यहाँ पे डिब्बे वगैरह को अच्छे से ये उतार दे रहे हैं और अब मैं यहाँ पोछ के अच्छे से अरेंज कर लूँगी। और ये देखिए इनको मैंने बोला कि वाइप से कर देने के लिए वाइपर से, तो यहाँ हाथ से ये वाइप करने में लगे हैं। ये स्टील रेक है तो यहाँ पर इसको स्प्रे कर रहे हैं तो ये न्यू हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सेट कर दिया है और ये मैंने बर्तन इसमें लगा दिया है, अरेंज कर दिया है। और ये देखिए बड़े बड़े डिब्बे ऊपर में लगा दिए हैं और छोटे छोटे हैं जो मैंने सेकंड वाले रेक पर लगा दिया है। और ये देखिए यहाँ पे भी नीचे में भी है, इसको भी मैंने अरेंज कर दिया, कप वगैरह है, स्टैंड वगैरह सब। तो चलिए अब मैं यहाँ पे, सुबह तो हमारा सारा काम निमट गया था और ये हो रहा है शाम का टाइम, तो यहाँ पर कपड़े भी बहुत सारा निकल गए थे, चादर वगैरह और मतलब कवर ये सोफ़ा के कवर वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए थे तो वो सबको भी मैं गंदे हो गए थे तो लगा दी मशीन में, तो वहाँ धुल रहे हैं। और ये सब करते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मुझे पीने का मन कर गया चाय, तो यहाँ मैं चाय पी लेती हूँ, बना रही हूँ अपने लिए सिर्फ, क्योंकि अभी का ना कोई टाइम टेबल ही नहीं है कि कब क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है, बस ये है कि करते जाना है बस टाइम, मतलब जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे काम निकालते जाना है। तो अब यहाँ पर जसनूर के लिए मैं पराठे बना लेती हूँ कि एक वो भी पराठे खा लेगी, उसको भी भूख लग गया तो थोड़ा सा मैं भी इसमें खा लूँगी, ये बेसन के पराठे थे। तो चलिए यहाँ पे इसको मैं खिला देती हूँ, ये चाय भी यहाँ पे बन गई, आप भी आ जाइए इंजॉय कर लीजिए। और यहाँ पे भी कुछ ऐसे सामान फैले पड़े हैं कि अभी इसी तरह समेट, धीरे धीरे मैं समेट रही हूँ। तो चलिए अब मैं जो खाने का तो बनाने का मन नहीं था, फिर भी बच्चे के लिए तो बनाना ही है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा मसूर और अरहर की दाल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है हल्दी नमक डाल के, और ये थोड़े से बर्तन थे इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे धो लेती हूँ। और ना मुझे ये किचन में ना मतलब कैमरा सेट करने में ही नहीं बन रहा है कि किस तरह से मैं कैमरा सेट करके यहाँ पर मैं मतलब शूट करूँ। तो चलिए यहाँ पर ससुर जी आए थे तो वो अपने कमरे में ज़्यादातर रहते हैं, यहाँ पर मेरे कमरे में नहीं आते हैं, तो वो सब्जी वगैरह रख के चले गए हैं। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह में मैं यहाँ पे प्याज टमाटर तड़के के लिए काट रही थी, तो यहाँ पे मैं धनिया भी आया था तो धनिया मैं देख लेती हूँ। तो धनिया बहुत ज़्यादा देखिए पका हुआ है, पूरा पत्ता पका हुआ था, तो इसमें से जो हरे हरे पत्ते हैं ना वो मैं निकाल ली हूँ। और सारे मैंने जो मुझे दाल के लिए मुझे मसाले तैयार करने थे, टमाटर हरी मिर्च और लहसुन अदरक ये सब मैंने कट कर लिए। और अब मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें जीरा हींग ये डाल दिया है, और इसमें लहसुन और अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया था तो उसको भी मैं डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अब यहाँ पे लंबी लंबी जो हरी मिर्च भी डाल दी है, और यहाँ पे प्याज एक था वो भी मैंने कट करके चॉप कर लिया है। और अब यहाँ पे ये टमाटर भी मैं हाथ से ही काटी थी तो इसको भी मैं अच्छे से डाल देती हूँ। और रूटीन के मसाले हैं ज़्यादा नहीं, हल्दी नमक और धनिया मिर्च और काले और लाल मिर्च का पाउडर यही डाल के बस इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। मसाला उधर फ्राई हो रहा है, इधर मैं थोड़ा सा आटा भी है वो लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मुझे अब चावल खाना है दाल के साथ, ये दाल बनाई हो तो मुझे चावल ही खाना है, तो फिर आटा मैंने फ्रिज में रख दिया है। तो ये सब्जियाँ वगैरह जो ससुर जी लाए थे तो वो मैं अच्छे से धो लेती हूँ, तो यहाँ पर मैंने धो के अरेंज करके रख दी है, तो बाहर में पंखा में रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिनर भी तैयार हो गया, दाल चावल अचार और सैलेड, तो आप भी आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, जसनूर चली गई थी दादू वाले रूम में, वो हम लोगों के साथ नहीं खाते हैं, अपने ही रूम में वो खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है मतलब यहाँ पर साथ में, तो हम ठीक है अलग अपना कोई बात नहीं, जैसे अच्छा लगे वैसे खा ले। तो चलिए अब मेरा खाना पीना हो गया था, गैस वगैरह भी अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ और यहाँ पे स्लैब वगैरह भी। और अब बारी आती है बर्तन धोने की, तो ये जो आप देख रहे होंगे ना कि स्लैब के नीचे में जो ये आपको दीवार ऐसा दिख रहा होगा, इसमें भी मुझे ना मतलब मिस्त्री से कटवा करके पत्थर और ये भी लगवाना है, बस ये काम रह गया है किचन का, बाकी सारा काम मेरा हो गया है ऑलमोस्ट सारा। तो यहाँ पे मेरा किचन का सारा काम भी हो गया था, और अब यहाँ पे बेड वगैरह है वो भी अच्छे से लगा देती हूँ। और ये बेड है ना बीच में पूरा गैप हो गया था, इन्होंने अच्छे से लगवाई नहीं थी, तो वो मैंने अच्छे से फिर मैंने धक्के मार के दोनों को मतलब मिला दिया
साथ में, ये मेरी थोड़ी हेल्प करवाएं तभी हुआ। और अब यहाँ पे मैं चादर वगैरह अच्छे से बिछा देती हूँ बेड में, और यहाँ पे पिल्लो वगैरह देखिए कैसे मुझे फेंक के दे रहे हैं कि लो कवर भी चढ़ा दो, तो कवर यहाँ पे मैं चढ़ा देती हूँ। और यहाँ बिटिया रानी इंजॉय कर रही है अपना कार्टून को, तो यहाँ पे मैं पिल्लो वगैरह अच्छे से यहाँ पे चढ़ा के सेट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स बताऊँ आपको कि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और आज है मंडे और टाइम हो रहा है लगभग सुबह का 7:30। तो मेरा कुछ काम हुआ है अभी, कुछ काम नहीं हुआ है। तो बाहर में मैंने कपड़े वगैरह भी सुबह सुबह धो लिए थे, क्योंकि सुबह यहाँ पे पानी आता है और शाम में पानी आता है, और समरसीवर का पानी अच्छा नहीं है, बिल्कुल बदबू वाला पानी आता है, तो उससे मेरा कोई काम नहीं हो पाता है। तो सुबह और शाम पानी आता है तो उसी से मैं काम करती हूँ। तो अभी कोई मेरा टाइम टेबल नहीं बना है, मतलब अब रहते रहते एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सिर्फ अभी एडजस्ट कर रहे हैं। सामान भी अभी कोई सामान का भी सेट वगैरह कहीं पे नहीं हुआ है, बस खाली अभी रख दिए हैं, और सिर्फ किचन मैनेज हुई है जिसमें कि अभी खाना बन सके। और सबसे पहले है कि खाना बन जाए, बच्चे भी भूखे ना रहे, फैमिली में कोई भी भूखे ना रहे, तो इसीलिए मैंने पहले किचन ही सेटिंग कर दी थी। और अब धीरे धीरे मैं अब इस रूम को भी सेटिंग करूँगी, तो धीरे धीरे ही होगा एडजस्टमेंट, एक बार ही नहीं हो जाएगा। तो चलिए अब मैंने, क्योंकि वीडियो भी एंड नहीं किया था, तो वीडियो को यहीं तक अब रखते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और यहाँ से बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप मेरी सबसे पहले वीडियो देख सकें। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। अगर मेरा थोड़ा सा भी वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हेल्दी रहिएगा। और सॉरी फ्रेंड्स कि थोड़ा अगर आपको अगल बगल से आवाज़ आ रहा होगा, तो यहाँ थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो मम्मी पापा के भी घर जाऊँगी। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे अभी वॉशरूम अभी बना नहीं है, मतलब कि बनेगा, वो भी बनेगा, मतलब नहाने धोने के लिए और मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए भी मेरे अभी यहाँ पे बाथरूम अभी ढंग से नहीं हुआ है, वो भी काम चल रहा है। और मैं जैसे कि काम उम करके फ्रेश फ्रेश होने के लिए मम्मी पापा का घर वहाँ चली जाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद मेरा सब चीज़ यहाँ सेट हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ से फिर वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। तो आप मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से वीडियो के साथ में। ओके बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।